तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे इसरो के ग्राफ्स के बारे में। तो बचपन में जब मैंने पहली बार इसरो का लॉन्च देखा तो इतने सारे ग्राफ्स देख के मैं तो फुल कंफ्यूज हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। स्पेशली वो वाला ग्राफ जिसमें एक ग्राफ के ऊपर दो प्लॉट्स किए हुए हैं। तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब सिंपल है। मैं आपको आज ये सब समझा दूंगा, एंड तक देखना, क्योंकि मैं ये ग्राफ्स जब फेलियर कैसा होता है और ओवर परफॉर्मेंस होता है तभी ग्राफ्स कैसे बिहेव करते हैं पता चल जाएगा। और आप बेसिकली लॉन्च देखते हो, आपको पता लग सकता है कि रॉकेट फेल होने वाला है पास होने वाला है। तो चलिए जानते हैं। तो दो तरह के ग्राफ्स है, एक तो ग्राउंड ट्रेस और एक फ्लाइट पैरामीटर्स। फ्लाइट पैरामीटर्स वो वाला है जिसमें दो प्लॉट्स एक ग्राफ के ऊपर है, वो हम नेक्स्ट जानेंगे, पहले ग्राउंड ट्रेस के बारे में जान लेते हैं। अब आपके ऊपर एक स्क्रीन के ऊपर एक इमेज है, देख ही सकते हो, ये रॉकेट का ट्रेस है, मतलब जो फॉलो कर रहा है वो लेफ्ट में वो इंडिया है, भारत है, जहाँ से लॉन्च हुआ, रेड कलर डॉट श्रीहरिकोटा है। ये जो रेड लाइन दिख रही है वो इसरो एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्ट्री है रॉकेट का, जो इसरो एक्सपेक्ट कर रहा है और उन्होंने कैलकुलेट किया है, सिमुलेट किया है। उसके ऊपर जो ग्रीन और येलो लाइंस दिख रहे हैं आपको, वो करंट पोजीशन से रॉकेट के। अब ग्रीन और येलो क्यों है, बेसिकली दो लाइन प्लॉट हो रहे हैं एक ही लाइन के ऊपर। जो आप कोने में देख सकते हो टी एंड आई लिखा है, टी मतलब ट्रैकिंग, जो उन्हें डेटा मिल रहा है रॉकेट कहाँ है उसका, आई मतलब इस रॉकेट का खुद का इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है, जहाँ जैसे वो नेविगेट करता है खुद से, ये उसका डेटा है। ये दोनों डेटा मैच करने से अगर ये अलग अलग हो रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है वहाँ पे। अभी वो L110 वो सब जानने से पहले आजू बाजू का एक बार देख लेते हैं। लेफ्ट में आप देखोगे तो 14, 13.4, 12.6 लिखा है, ये बेसिकली लैटिट्यूड्स है। और नीचे जो 80, 81, 83 लिखा है वो लॉन्गिट्यूड्स है। टाइम लिखा है कितना टाइम क्रॉस हुआ है लॉन्च से, यहाँ इस केस में 206 सेकेंड्स। अपोगी पेरेगी इंक्लिनेशन ये ब्लैंक है। अपोगी मतलब हाईएस्ट डिस्टेंस अर्थ से जो सैटेलाइट रखेगा ऑर्बिट में, और पेरेगी मतलब लोएस्ट डिस्टेंस ऑर्बिट में होगा अर्थ से। अभी इसलिए सेट नहीं हुआ क्योंकि सैटेलाइट अब तक ऑर्बिट नहीं हुआ है, ये सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री है, मतलब अगर रॉकेट को बंद कर दिया अभी तो पानी में गिर जाएगा। इंक्लिनेशन तो आपको पता ही चल गया होगा ऑर्बिट का इंक्लिनेशन। जो कोने में S1 लिखा है, ये ढूंढते ढूंढते बहुत परेशानी हो गई एग्जैक्टली मीनिंग क्या है इसका। काफ़ी नॉलेजेबल दोस्तों से पूछा, काफ़ी इसरो के लोगों से पूछा, किसी को नहीं पता था। फाइनली पवन जो स्काई रूट के CEO है, उन्होंने बोला कि S1 मतलब सर्वर 1 है, जो रियल टाइम सर्वर्स ये सब डेटा ले रहे हैं उनके बारे में। एक और सर्वर होता है S2 करके, जो रिडंडेंट सर्वर है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी दिखेगा। GSLV Mark III D2 के लॉन्च में S2 सर्वर दिखा था एक बार, तो ये शायद काफ़ी लोगों के लिए नई चीज़ होगी। अगर आप देखोगे तो वहाँ ग्रिड करके कुछ लिखा है, ग्रिड डैश एरो 0.2 डिग्रीज, ये बेसिकली एक ग्रिड का कितना साइज है वो दिखा रहा है, तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो, वो 0.2 डिग्रीज है इस केस में। अगर हम नेक्स्ट ग्राफ के पास जाएंगे तो ये स्केल आउट हो जाएगा और ग्रिड का वैल्यू चेंज होता है 2-1 डिग्री। उससे पहले वो क्या लिखा है वो देख लेते हैं। यहाँ 100s 200s ये टाइमिंग्स है, 100 सेकेंड्स 200 सेकेंड्स। L110 IGN मतलब L110 जो कोर से GSLV Mark III का इग्निशन उसका, सो L110 का इग्निशन कोर स्टेज का, अगर आपको बता रहेगा तो GSLV Mark III के ऊपर जो कोर स्टेज है वो मिड फ्लाइट इग्नाइट होता है, वो लॉन्च पैड पे इग्नाइट नहीं होता है। और जो HSS है वो है हीट शील्ड सेपरेशन। तो आप ये आपको अब तक क्लियर है, ये ग्राफ में जो दिखा रहा हूँ चंद्रयान 2 के है बेसिकली, तो चंद्रयान 2 के सब ग्राफ्स है। यहाँ आप देख सकते हो एक और चीज़ है, C25 IGN मतलब C25 इग्निशन, तो ये एक याद रखना, जब इंजन ऑफ होता है तो उसे कहते हैं C25 OFF ऑफ, मतलब शट ऑफ। यहाँ देख सकते हो ग्राफ थोड़ा जूम आउट हुआ है, आपको श्रीलंका वगैरह दिख रहा है इस ग्राफ में, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी चेंज हो चुके हैं। अभी तक अपोगी और पेरिगी नहीं आए क्योंकि अब तक इंक्लिनेशन ये ऑर्बिट में इंसर्ट नहीं हुआ है। इस ग्राफ में इंसर्शन हो गया, आप देख सकते हो क्लियरली। इस ग्राफ में आप C25 ऑफ भी देख सकते हो और SETSEP मतलब सैटेलाइट सेपरेशन भी देख सकते हो। यहाँ टाइमिंग्स भी अलग है, और फाइनली आप अपोगी पेरिगी और इंक्लिनेशन की वैल्यूज आ चुके हैं, और इस केस में INS दिखा रहा है बस, मतलब इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का रॉकेट का वैल्यूज। तो ये तो हुआ जो बेसिक ग्राफ था वो। अब हम जाते हैं अपने कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दिखने वाले पे, जो काफी सिंपल है एक्चुअली। अब इसमें दो प्लॉट्स किए गए हैं बेसिकली, एक तो टाइम वर्सेस ऑल्टीट्यूड ग्राफ और एक है टाइम वर्सेस रिलेटिव वेलोसिटी ग्राफ। मतलब इसमें एक एक्सिस सेम है, वो है एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम प्लॉटेड है, वो सेकेंड्स में 250 सेकेंड्स 500 सेकेंड 750 वगैरह वगैरह, तो इसलिए दोनों पॉइंट्स मैच होते हैं करंट ट्रेजेक्ट्री के। यहाँ पे आपको कौन सा ग्राफ कौन सा है वो देखने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने देखा तो टाइम वर्सेज ऑल्टीट्यूड रेड कलर में है,
तो जो रेड ऑलरेडी प्लॉटेड लाइन है, जो नीचे वाला ग्राफ है, वो टाइम वर्सेस ऑल्टीट्यूड का ग्राफ है। आप देख सकते हो रेड कलर लाइन जो ऑलरेडी है वो इसरो की एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्ट्री है, इसरो की सिमुलेशंस और कैलकुलेशंस के हिसाब से ये किया गया है। तो जो करंट ट्रेजेक्ट्री है वो इसको फॉलो करनी ही चाहिए, उसके आसपास थोड़ा गया तो चलता है, ज़्यादा गया तो फिर कुछ गड़बड़ है। एक्स एक्सिस तो पता चल गया टाइम, अगर आपको टाइम वर्सेस ऑल्टीट्यूड का वाई एक्सिस देखना है तो वाइट कलर में है वो नहीं देखना है हमें, हमें देखना है जो रेड कलर में है। अगर आप देख सकते हो तो रेड कलर में भी काफ़ी चीज़ें लिखी है, वो ऑल्टीट्यूड वैल्यूज है। तो अगर आप प्लॉट करोगे करंटली क्या है, तो ऑल्टीट्यूड कर्व 173 आता है और टाइम है 953 सेकंड्स। तो इससे हमें टाइम वर्सेस ऑल्टीट्यूड की वैल्यू मिलती है। अब दूसरी चीज़ आती है ऊपर वाला ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ है टाइम वर्सेस रिलेटिव वेलोसिटी। जब वेलोसिटी स्पीड ये सब रिलेटिव क्वांटिटीज है, मतलब किसी को रिलेटिव से वो मेजर किया जाता है, बट किससे रिलेटिव है ये, ये बेसिकली अब इसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे हम, ये बेसिकली अर्थ सेंटर्ड इनर्शियल से रिलेटिव है। मतलब उस केस में क्या समझा जाता है, अर्थ को स्टेशनरी माना जाता है और पूरी दुनिया उसके आसपास घूमती है, तो इसलिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है मेजर करने के लिए वेलोसिटी। उस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर। तो ऊपर वाले ग्राफ को अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 953 सेकेंड्स पे करीब 9.47 किलोमीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी है, किलोमीटर्स पर सेकेंड, तो ये ऑलमोस्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी क्रॉस कर चुका है। तो ये ग्राफ देख के आपको पता चल सकता है कि कैसे चल रहा है। अब इसमें देखा तो ग्रीन कलर लाइन थोड़ी नीचे है व्हाइट कलर लाइन से, व्हाइट कलर एक्सपेक्टेड है, मतलब थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हुआ है इस रॉकेट का। अगर आप PSLV के मामले में देखोगे तो वहां आपको PS2I PS3I मिलेगा, मतलब PSLV सेकेंड स्टेज इग्निशन, PSLV थर्ड स्टेज इग्निशन वगैरह वगैरह, ये होता है PSLV के मामले में। वैसे ही आपको GSLV में भी सिमिलर मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं ओवर परफॉर्मेंस के बारे में। अगर आप देखो तो ये GSLV Mark 3 D1 का लॉन्च है, यहाँ इसरो ने कुछ कैलकुलेशंस किए थे, पर ये रॉकेट पहली बार उड़ने वाला था C-25 स्टेज के साथ, तो उनके कैलकुलेशंस के ऊपर गया है ग्राफ, मतलब ओवर परफॉर्म किया बेसिकली इंजन। तो वो तो उनसे काफ़ी खुश होंगे क्योंकि पहले ही वो जो एक्सपेक्टेड वेलोसिटी थी उन्होंने कमाई, तो ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो फिर फर्स्ट फ्लाइट के बाद उनको पता चल गया कि ये इंजन कैसे परफॉर्म करता है, ये पेलोड के साथ कैसे परफॉर्म करता है वगैरह वगैरह, उनको डेटा मिल गया अगले लॉन्चेस के लिए, तो अभी वो कैलिब्रेटेड है। अभी हम देखेंगे एक फेलियर के बारे में और कैसे ग्राफ पूरा हिल गया। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं, आपको अगर मेरे को सपोर्ट करना है, मेरे को रिसर्च करने में हेल्प करना है और मेरे प्राइवेट डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना है या इसरो वॉलपेपर्स चाहिए आपको, तो ज़रूर ज्वाइन करने के लिए कंसिडर करो। बस 29 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और ये सबसे कम वैल्यू थी जो यूट्यूब ने मुझे अलाउ की, तो ज़रूर कंसिडर करो। अब देखते हैं एक फेलियर मोड के बारे में। ये है PSLV C-39, ये एक IRNSS-1H सैटेलाइट कैरी कर रहा था जो हमारे नाविक का पार्ट था। तो आप देख सकते हो ये ग्राफ तो ठीक ठाक जा रहा था, PS2 इग्निशन हुआ, ग्राफ के हिसाब से HSS यानी हीट शील्ड सेपरेशन हुआ, PS3I यानी थर्ड स्टेज इग्निशन हुआ, पर असलियत में हीट शील्ड सेपरेट हुआ ही नहीं। इसके ऊपर मैंने एक एनिमेशन KSP में वगैरह वीडियो बना, आपको देखना है तो आई बटन में आ जाएगा। तो क्या हुआ, हीट शील्ड सेपरेट हुआ ही नहीं, ये अज्यूम करते गए कि हीट शील्ड सेपरेट हो गया है, और जब फोर्थ स्टेज तक पहुंचा तभी बहुत वेट बढ़ गया फोर्थ स्टेज के ऊपर, वो परफॉर्म नहीं कर पाया उनको चाहिए उसके हिसाब से। तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो जो ग्रीन लाइन है वो काफ़ी दूर चली गई रेड लाइन से, तो जो रिक्वायर्ड ऑल्टीट्यूड था वो पहुंचा ही नहीं। तो ऐसे आपको पता चल सकता है देखते वक्त कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं रॉकेट उसके प्लान ट्रैजेक्टरी, इससे आपको पहले ही पता चल सकता है कि फेल होने वाला है नहीं। अगर आप ये ग्राफ्स को ढंग से समझोगे तो आपको मजा आ जाएगा लॉन्च देखते वक्त। ये लॉन्च तो वैसे DD दूरदर्शन ने डिलीट कर दिया, पर अगर आपको देखना है तो OSIN ने री अपलोड किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आपको ये लॉन्च देखना है तो पूरा। बस यही था आज के लिए, तो आई होप आपने कुछ आज नया सीखा। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को प्रोड्यूस करने में हेल्प किया रोहित, हरजिंदर, जयम, वुटला, चैतन्य और कार्तिकेय देवाल जी ने।